अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी को नमन। अनुव्रत को पोषण देने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को नमन। अनुव्रत को घर घर गली गली और पूरे विश्व में फैलाने वाले, उसकी प्रेरणा देने वाले, दिशा निर्देश देने वाले आचार्य श्री महासमन जी को नमन। यहां विराजित साध्वी रति प्रभा जी के चरण कमलों में वंदन, जयव्रती साध्वियों के चरण कमलों में वंदन, स्थानीय सभा के पदाधिकारी गण, महिला मंडल के पदाधिकारी गण, युवक परिषद के पदाधिकारी गण, विशिष्ट सावक बंधुओं, मातृशक्ति को नमन, भाई और बहनों, अनुव्रत उद्बोधन का ये दूसरा दिन अनुव्रत और जीवन विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में विशद चर्चा की जा सकती है और प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान और योग का मैं शिक्षक होने के नाते, प्रशिक्षित होने के नाते, शोध निर्देशक होने के नाते इस विषय की भली प्रकार से प्रस्तुति करना भी मैं मेरा दायित्व समझता हूं। भाई और बहनों, अनुव्रत एक ऐसा अभियान है जिसने 13 पंथ को पहचान दी। भगवान महावीर ने दो तरह के धर्म बताए, आधार धर्म और अणगार धर्म। जो पूर्ण अहिंसक होते हैं वो महाव्रती के रूप में हमारे सामने ये धवल सेवा विराजमान है, जो जीवन पर्यंत 5 महाव्रत, हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से, वचन से और काया से, इनको हम पूर्ण अहिंसक सन्यासी मानते हैं और हमने पूरे विश्व को यह सिद्ध करके बताया कि हमारा जैन धर्म 5 महाव्रत के पालन करने वाले पूर्ण अहिंसक होते हैं, जो कि अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म में दी गई है। इस देश में हम विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर लोग 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाते हैं, उसके अंदर अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या हमारे जैन दर्शन ने की है। मैं थोड़ा 5-10 मिनट लूंगा, खाली स्वागत तक सीमित नहीं रहूंगा, क्योंकि इस विषय को प्रस्तुत करना मेरा दायित्व है, तो कृपया मुझे सहे, आप मुझे झेलें। तो बंधुओं, भाइयों और बहनों, दूसरा भगवान ने धर्म बताया अनुव्रत। जो पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकता, ग्रस्त है जिसमें इतनी क्षमता नहीं कि वो महाव्रतों का पालन करे। भगवान महावीर सबका कल्याण करना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसे ग्रस्त लोगों को स्थूल हिंसा की अनुव्रत के अंदर इजाजत है, मर्यादा है, इस कारण अनुव्रत का पालन किया जाता है। लेकिन अब मैं मूल विषय पे आता हूं। जब देश आजाद हुआ, आचार्य तुलसी ने देखा कि कितने बड़े त्याग और बलिदान के बाद के अंदर, 100-200 वर्षों के त्याग बलिदान आंदोलन के बाद हमें आजादी मिली है, वह कितनी अनमोल आजादी है, पर उसका संरक्षण कैसे होगा? जब तक नैतिकता नहीं आएगी उसका संरक्षण नहीं हो सकता। तो उन्होंने 1 मार्च 1949, 67 ईयर्स हो गए बंधुओं, सरदार शहर में अनुव्रत आंदोलन की स्थापना की और उस दिन गुरुदेव ने 3-3 स्थापना एक साथ की। पारमार्थिक शिक्षण संस्था जिसका करीब 8 वर्ष तक पूर्णकालीन संयोजक भी रहा और आदर्श साहित्य संघ बंधुओं, तीनों ही मुख्य संस्थाओं का प्रादुर्भाव जन्म आचार्य तुलसी ने 67 वर्ष पहले किया। अनुव्रत 67 वर्ष के अंदर उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा। क्यों? अनुव्रत एक आचार संहिता है। अनुव्रत कोई धर्म नहीं, अनुव्रत कोई संप्रदाय नहीं, ये जीवन जीने की पद्धति है, ये वे ऑफ लाइफ है, ये लाइफ स्टाइल है। और हमारा जीवन कैसे सुंदर बने, हर प्राणी का जीवन कैसे सुंदर बने, एक मानव अच्छा इंसान कैसे बने,
उसके लिए अणुव्रत की आचार संहिता बनी बंधुओं। आज अणुव्रत और जीवन विज्ञान को हम जोड़ेंगे प्रतिदिन। कल हमने सांप्रदायिक सौहार्द के अंदर जो बाहर के धर्मगुरु आए थे, किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द अणुव्रत करता उसके बारे में लंबी चर्चा की थी। आज हम पूरा दिन जीवन विज्ञान किस तरीके से अणुव्रत के साथ जुड़ता है या अणुव्रत किस तरीके से जीवन विज्ञान के साथ जुड़ता है, इनका क्या संबंध है। अणुव्रत एक सिद्धांत है, अणुव्रत एक आचार संहिता है और जीवन विज्ञान साइंस ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग है, लाइफ स्टाइल है बंधुओं, एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। जीवन विज्ञान प्रैक्टिकल है, अणुव्रत थ्योरी है। और हमारे माननीय चीफ इंजीनियर साहब विराजमान है, मेरे साथी, मेरे क्लास फेलो। हमने इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं की जाती है, कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी बड़ा प्रोफेशनल नहीं बन सकता है। थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाने के लिए अनुभव किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक जीवन की सार्थकता है, थ्योरी एक सिद्धांत है। थ्योरी हमें दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए, जीवन में ढालने के लिए, जीवंत करने के लिए, मूर्त करने के लिए प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है। बंधुओं, आपने देखा होगा, ये सब बातें मैं जीवन विज्ञान से जुड़ी हुई बातें कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े डिग्रीधारी, बहुत पढ़े लिखे हुए जज, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, वे क्यों करप्शन करते हैं, वे लोग क्यों आत्महत्या करते हैं, वे लोग क्यों हिंसा करते हैं, वे लोग लोगों को क्यों दुख देते हैं। इसका कारण आचार्य तुलसी ने और आचार्य महाप्रज्ञ ने ढूंढा कि ये शिक्षा में कहीं न कहीं ऐसी कमी है जिसके कारण ऐसा हो रहा। हमारी भारतीय शिक्षा एक अच्छा विद्वान तो बना सकती है, लेकिन पंडित नहीं बना सकती। भाइयों और बहनों, विद्वान और पंडित में फर्क है। हम में से बहुत से विद्वान हो सकते हैं, लेकिन पंडित हमारे सामने विराजमान है। ये केवल विद्वान नहीं है, ये भाव पक्ष में जाते हैं, ये भाव शुद्धि में जाते हैं, इनमें भावनात्मक विकास है और हमारे में भावनात्मक विकास की कमी है। तो जब आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ ने यह देखा कि उस कमी को कैसे पूरा करें, तो उन्होंने जीवन विज्ञान का आविष्कार किया कि हम कुछ ऐसे सिद्धांत दें जिसमें इमोशनल कोशेंट की बात हो, भावात्मक शुद्धि हो, भाव शुद्धि हो, हमारा भाव नियंत्रित हो। उसके लिए 1975 के अंदर जीवन विज्ञान का आविष्कार हुआ। और बंधुओं, आज हमारी सुधा जी जीवन विज्ञान की लेक्चरर भी है, टीचर भी है, प्रशिक्षक भी है और खुद जीवन विज्ञान को जीती भी है, बहुत जानती है ये। तो जीवन विज्ञान आज पूरे देश में, आज पूरे विश्व के अंदर एक जीवन कौशल के रूप में, एक साइंस ऑफ लिविंग के रूप में यह चारों तरफ फैल चुका है और करोड़ों करोड़ों विद्यार्थी जीवन विज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं। और ये कहते हुए मुझे साथ ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारी जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के अंदर प्ले ग्रुप से लगाकर डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट तक का पूरा कोर्स जीवन विज्ञान का, विद मेडिकल साइंस के पूरी एक फैकल्टी है, प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान योग की फैकल्टी है, उसमें मेडिकल साइंस के प्रयोग भी कराए जाते हैं, इसमें फिजियोलॉजी है, इसमें एनाटॉमी है, हमारी बॉडी पूरे सारे इसमें तंत्र काम करते हैं, रुधिर तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सबके बारे में ज्ञान कराया। और जिन भाई बहनों ने साइंस ऑफ लिविंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो सब जानते हैं कि इसमें मेडिकल साइंस को ही पढ़ाया जाता है। अब मैं अणुव्रत को और जीवन विज्ञान को जोड़ रहा हूं। अणुव्रत और जीवन विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू है, ये एक दूसरे के पूरक है। अगर इनको एक एक को अलग किया जाए तो ये अपूर्ण है, दोनों को जोड़ा जाए तो परिपूर्ण है। क्यों भाइयों बहनों, हम शिक्षा लेते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं करते। बहनें जानती है कि वो कुकिंग की क्लासेस तो कर लेती है, लेकिन रसोई में जाके भोजन हाथ से नहीं बनाती तो पारंगत नहीं हो सकती है।
तो अनुव्रत सिद्धांत को जीवन में ढालने के लिए प्रायोगिक रूप है जीवन विज्ञान। कोई कहे कि मैंने अनुव्रत के सिद्धांतों को पढ़ा है और अनुव्रत के सिद्धांतों को आत्मसात किया है, उसके बारे में विवेचना कर सकता हूं, लेकिन उसको जीवन में मूर्त रूप कैसे दूं? वहां जीवन विज्ञान एनकाउंटर होता है, वहां जीवन विज्ञान पिक्चर में आता है, वहां जीवन विज्ञान की आवश्यकता महसूस होती है। बंधुओं, जीवन विज्ञान में प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान और अणुव्रत की त्रिपुटी है, ये त्रिवेणी संगम है, जहां पर अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान जुड़ते हैं वह कोर्स परिपूर्ण होता है, वो भावनात्मक विकास करता है, वो एक चरित्रवान व्यक्ति बनाता है। और अणुव्रत का उद्देश्य ही है सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आचार्य तुलसी ने एक ही बात कही कि मुझे एक अच्छा इंसान बनाना है। बंधुओं, अणुव्रत में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अणुव्रत में हमारे गुरुदेव को, जो हमारे देवगुरु धर्म के प्रति आस्था है, अणुव्रती बनने के लिए, इस अणुव्रत का सदस्य बनने के लिए देवगुरु धर्म में आस्था करना, विश्वास करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाध्यता नहीं है। आचार्य महाश्रमण जी को भी गुरु समझे अच्छी बात है, लेकिन गुरु धारणा करने की बाध्यता नहीं है, उसको जैनी बनने की बाध्यता नहीं है। इसमें कोई वर्ण हो, कोई गंध हो, कोई किसी भी लिंग का हो, कोई भाषा का हो, और उसके साथ साथ के अंदर किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी उपासना को मानने वाला हो, वो अणुव्रत का सदस्य बन सकता है। बंधुओं, इसीलिए 36 कौम के लोग जो है अणुव्रत के सदस्य है और आज करोड़ों की तादाद में है। तो भाइयों और बहनों, में निष्कर्ष में ये कहना चाहता हूं कि हम अणुव्रत को जीवन में उतारें, जीवन विज्ञान को आत्मसात करें, तभी हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और हम अणुव्रत की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे में इंसानियत नहीं आती है, हम मानव नहीं बन जाते हैं, तब तक हमारे इन को मनाने की कोई सार्थकता नहीं होती है। तो जीवन विज्ञान और अणुव्रत को आज के दिन हम आत्मसात करें और यहाँ विराजित समस्त साधियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आज हमें उन्होंने अनुमति प्रदान की, ये पूरा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनके प्रति हमारी बहुत बहुत कृतज्ञता। और उसके साथ साथ में समस्त आप लोग पधारे हो और ये हमारे इस कार्यक्रम को, हम सभी के कार्यक्रम को जो है अच्छी प्रगति दे रहे हैं। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम।